भारतीय किसान आंदोलन के प्रमुख किसान नेता राकेश टिकैत ने पटना सिटी का दौरा कर तख्त श्री हरमंदिर साहिब पटना पहुंचे, जहां उन्होंने गुरु गोविंद जी महाराज के दरबार में आकर मथा टेका, जहां गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने राकेश टिकैत को सिरपा भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। राकेश टिकैत ने इस दौरान गुरु महाराज से जुड़ी हुई स्मृतियों का दर्शन किया, साथ ही गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने गुरु महाराज से जुड़े विशेष जानकारी दी। वहीं केंद्र सरकार के द्वारा सभी खदानों पर लगाए गए 5% जीएसटी के संबंध में पूछे जाने पर उनका कहना था कि इसमें आम उपभोक्ताओं और गरीब लोगों के दैनिक जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और जिससे व्यापारियों को काफी फायदा होगा। केंद्र सरकार के इस फैसले से देश में महंगाई चरम सीमा पर पहुंचेगी। वहीं राकेश टिकैत ने बिहार के किसानों की चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश में किसानों की स्थिति काफी दयनीय है। प्रदेश में संसाधन की कमी के कारण किसान खेत छोड़कर दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी करने को मजबूर है। राकेश टिकैत ने राज्य सरकार से मांग किया है कि 2005 से बंद पड़े बाजार समिति मंडी को फिर से चालू किया जाए। सरकार उनकी बातों पर ध्यान नहीं देने पर आंदोलन चलाए जाने की चेतावनी दी है। टिकैत का कहना था कि किसान की समस्या समेत कई मामलों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। स्वर्ण रानी के साथ न्यूज टीम की रिपोर्ट। को लेकर काफी आपने मतलब विरोध को प्रदर्शन किया था और ऐसी डर करके केंद्र सरकार ने इस कानून वापस लिया। अभी बात यह जीएसटी 15% जो लगाया गया था केंद्र सरकार द्वारा, इससे आप कितना संतुष्ट है? क्या देखो, इससे क्या होगा कि व्यापारी को फायदा होगा और आम कंज्यूमर को इससे नुकसान होगा। वो 15% जो 5% जो दिए है तो उससे महंगाई बढ़ेगी और जीएसटी के नाम पे ये फर्जी बिलिंग करेंगे, जीएसटी काटेंगे, उससे व्यापारी को कैसे फायदा होगा, पूरी प्लान बनाई जाती है। दूसरा, हम यहाँ पे जहाँ बिहार में हम आए हैं, बिहार के किसानों की हालात ठीक नहीं है। यहाँ पे मंडियाँ 2005 के आसपास बंद हुई, जो समिति बाजार है वे बंद हो गए। अब यहाँ पे आंदोलन और बातचीत दोनों रास्तों से, यहाँ की बाजार समिति खुले, मंडियाँ खुले, यहाँ की सरकार से भी बातचीत करेंगे। नहीं होगा तो आंदोलन करना पड़ेगा, तो यहाँ का किसान उससे पीछे नहीं हटेगा। अपनी मंडियों की जमीन बिगड़े नहीं देंगे। जैसे पूरे देश में मंडियाँ चल रही है, ऐसे ही बिहार में भी मंडियाँ चले, यहाँ पे भी एजुकेशन सेंटर चले, यहाँ पे भी सड़कें गाँव की ठीक बने, यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पे जा, यहाँ का जो किसान है वो प्लान करके बाहर मजबूर ना बने। बीच बीच में आपने किस कुमार को काफी सलाह दे रहे थे, ठीक है, तो क्या लगता है सबको? भाई सलाह से मान जाएगा, ठीक है, नहीं तो भाई दिल्ली की तरफ पे पटना को भी एक बार नई दिल्ली बनाना पड़ेगा, तो सलाह तो ये जीएसटी का असर आम जनता पर क्या प्रभाव? आम जनता पे है कि महंगाई बढ़ेगी, आम जनता पर प्रभाव पड़ेगा और यहाँ के पूरे बिहार को सुपर्ण क्षेत्र घोषित करना चाहिए। अगर आज की बारिश इस तरह से हो रही है, अगर बारिश 5-7 दिन में नहीं होती तो पूरा बिहार बर्बाद हुआ है। तो पूरे बिहार को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करना चाहिए। रोपनी नहीं हुई, इसका बड़ा नुकसान किसानों को, मजदूरों को यहाँ से होगा, तो उसकी भरपाई सरकार यहाँ करे। बिहार अग्निपथ की बात की जैसे लगातार अग्निपथ की योजना का कौन समर्थक है? जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जिनको 60 साल नौकरी करके उनको 2 साल का एक्सटेंशन चाहिए और अग्निपथ को ठीक बताते हैं। पहले में नौकरी छोटे, जिनकी 4 साल से ज़्यादा नौकरी होगी वो नौकरी का त्याग करें और अग्निपथ के बारे में फिर वो ज्ञान प्राप्त करके ज्ञान देने का काम करें। जो नौकरी कर रहा उसको अग्निपथ पे बोलने की जरूरत नहीं है। आगे क्या आपका आंदोलन? देश बचेगा आंदोलन से, पॉलिटिकल सिस्टम से देश बचेगा ही नहीं, देश आंदोलन से बचेगा। मुख्यमंत्री से बिजनेस क्या करें? मुख्यमंत्री से जो यहाँ के इशू हैं उन इशू को लेकर, मुद्दों को लेकर यहाँ के मुख्यमंत्री से मिलेंगे। यहाँ की जमीन छीनने का बड़ा प्लान बिहार में बन रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे खेत में आएगी, कंपनियां यहाँ पे खोल लेंगे और यहाँ का बिहार का किसान मजदूर बर्बाद होगा। वो भी कंपनियों के वहाँ पे नौकरियां करेगा। तो अपनी जमीन बचानी है तो आंदोलन का रास्ता क्या करना पड़ेगा? गुरु के दरबार में उन्हीं के आशीर्वाद से सारा ये आंदोलन चला है। गुरुओं का और किसानों का बड़ा मेल रहा है, गुरु दरबारों का इस आंदोलन में भी बड़ा मेल जोल रहा है। अगर गुरु के भंडारे ना रहते, बाबा वहाँ पे ना जाते, तो हो सकता है कि इतना लंबा आंदोलन ये नहीं चला पाते। तो
योगदान, बाबाओं का बड़ा योगदान रहा, गुरुओं का बड़ा योगदान रहा, गुरुद्वारों का बड़ा योगदान आंदोलन में रहा। और गुरुद्वार तो सेवा भाव से दिखाते हैं, इनके जो मानकान है और जो सेवा भाव है इनका, वो सब लोगों को पता है पूरी दुनिया में, वो कोरोना काल हो या कहीं पर लंगर लगाने हो या कहीं पे कोई सेवा करनी हो, तो गुरु घर से ज़्यादा सेवा कोई नहीं कर रहा।